अभी ये गुरुद्वारा आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गुरुद्वारा स्टार्ट हो गया है ये बाहर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे होती है आपकी चेकिंग और ये जरूरी है कि आप अपना आईडी कार्ड पासपोर्ट वगैरह लेकर जाए अगर आप फॉरेनर हैं तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है यहाँ पे चेकिंग होती है आपके आई कार्ड और अगर आपने किसी रिलेटिव से मिलना है तो आपकी चेकिंग ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी तो ये है मेन एरिया दर्शन ड्योरी जिसको बोलते हैं यहाँ से एंट्री होती और पहली बार फिर मैं मिली अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूरे ढाई साल बाद और हमने पूरा गुरुद्वारा विजिट किया है जो मेन गुरुद्वारा है वो सिखों की बेसिकली रिलीजियस प्लेस है वहाँ पर मुसलमानों की एंट्री अलाव नहीं है और यहाँ पे पाकिस्तानियों को भी वीडियोस बनाना अलाव नहीं है तो ये जो सारी आप आगे वीडियोस देखेंगे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बनाई थी वहाँ पे तो अगर आप पाकिस्तानी हैं और अगर आप किसी रिलेटिव से भी मिलने जा रहे हैं इधर गुरुद्वारे पे तो आप अगर कोई उनके लिए चीज़ लेकर जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले बस उनके लिए ड्रेसेस ज्वेलरी और इस तरह की चीज़ें या मिठाई लेकर जा सकते हैं ये स्नैक्स वगैरह और, और इस तरह की चीज़ें पैकिंग वाली ले जाना आपको अलाउ नहीं है इसके अलावा ये मार्केट थी यहाँ पर ड्रेसिज हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं खाने पीने के लेकिन ये ऐसा जितनी कोई बड़ी मार्केट नहीं है ये बहुत छोटी सी है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है अगर आप यहाँ पे जाएं इसके बाद ही आप देख सकते हैं गुरुद्वारे का व्यू कितना प्यारा लग रहा है इसके बाद हो गया था टाइम वापसी का तो अश्मीत चली गई अपने घर वापस और मैं आ गई थी अपने घर फिर रास्ते में हम लोगों ने खाई थी बिरयानी और साथ पेप्सी ये बिरयानी थी कराची नसीब बिरयानी और ये उधर ही थी नारोवाल में तो हमने वहाँ पे खाई थी वापसी पे आप वेदर चेक कर सकते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था पर हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल सका वहाँ पर बाकी इतना ही था इस ब्लॉग के लिए मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में बाय